हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो गीता जयंती डे फोर है, गीता जयंती का मेरा डे फोर है आज की, बहुत स्पेशल है। दो कमेंट आए थे आज, उसी दो कमेंटों पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। पहली कमेंट था कि भाई 712 नंबर शॉप है, कवर करना कुछ ऐसे ही था, 712 नंबर शॉप है। सबसे पहले हम 712 नंबर शॉप पर जाएंगे। उसके बाद दूसरा कमेंट था कि एक नंबर गेट से दो नंबर गेट तक आप वीडियो बनाओ, तो मैं डायरेक्ट एक नंबर गेट दिखाऊंगा, उसके बाद सीधा दो नंबर गेट के पास जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे उधर ना, वहाँ पे यहाँ चाने लगी हैं, वो एक नंबर गेट है, यहाँ से ये पुल जाता है ना सीधा, वो दो नंबर गेट है। उसके बाद वहीं पे हमने दो नंबर गेट पे हमने वीडियो ख़त्म की थी, वहाँ से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे। जैसे कि ये वहाँ पे हमने वीडियो ख़त्म की थी, ये गेट कहाँ से दिखाऊँ आप, मतलब कि जादू मैं वहाँ से ख़त्म की थी, हम वहाँ तक जाएंगे और वहाँ तक वीडियो बनाएंगे। मतलब कि ओवरऑल पूरा राउंड एक ब्रह्मसरोवर के पूरा गीता जयंती का दिखा दूंगा। उसके बाद रथ हो गया, या फिर इस पर लगेगी जो क्या कहते हैं हरियाणा कल्चर लगेगा, वो सारे दिखाऊंगा। मतलब कि डे 15 दिन है, 10 तारीख तक आपको पूरी वीडियो मिलेगी। तो चलो टाइम ना स्टार्ट करते हो, उससे पहले एक वेदर दिखा दूँ। जैसे कि ये वेदर पीछे बैकग्राउंड में ना, ये रुको 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 रुको, बैक कैमरे से दिखाता हूँ, बैक कैमरे से दिखाता हूँ। हाँ, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आपका क्या कमेंट, आप क्या देखना चाहते हो कमेंट करके बताना। वेदर चेक करो कितना ऑसम है, अगर फोटो खींची है कितनी मज़ेदार आएगी फोटो। बल्कि बारिश का मौसम है, मैं फिर भी वीडियो बनाने आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले मैं बताता हूँ, हमने जाना है शॉप नंबर 712 पे, ठीक है। शायद 712 मैंने कवर भी की है, तो अब हम जाएंगे शॉप नंबर 712। अभी ये देख लो, मैं एक चीज़ बता दूँ, एक नंबर गेट, जैसे वहाँ एक नंबर गेट आएगा ना, गेट की परली साइड एक नंबर शॉप है, जो घूम के इधर आके 800 के आसपास है, 800-900 शॉप्स के उप नंबर 800-900 ऐसे परली साइड एक नंबर। मैं बताऊंगा गेट जब एंट्री करेंगे ना, तब बताऊंगा एक नंबर शॉप कहाँ से स्टार्ट होती है और उसके परली साइड कितने लास्ट कितनी शॉपें हैं टोटल, ठीक है। और अभी पीछे गाना आ गया, मुझे लगता है कोई प्लेयर स्ट्राइक ना आ जाए, वैसे नहीं आएगी। तो अभी हम 712 नंबर शॉप पे जाएंगे, 712 आई थिंक नुक्कड़ के पास होएगी। 712 नंबर शॉप वही शायद जिसमें फ़ोटो आ रही है ना, मतलब कि फ़ोटो आ रही है, मतलब कि देखने वाली फ़ोटो आ रही है, वो वाला सिस्टम होगा। तो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बाकी आप क्या देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। के लिए एक नया एंगल मिला, अभी मैं शॉप नंबर 712 पे जा रहा हूँ, 760 आई है। ये शूट एंगल कैसा है, क्योंकि बढ़िया आ रहा है ना, ये शूट एंगल भी सही है, मतलब कि सही है। अजीब व गरीब लगता होगा अगर ऐसे मैं पूरा ये घुमा दूँ तो कैसा लगेगा, या फिर इसको पूरा ऐसे घुमा दूँ। तो 712 नंबर ढूंढ, मैं अपना चेहरा दिखा जाऊँगा, आप तो बोर हो जाओगे। तो हम 712 नंबर तो ऊपर शॉप से दिखाता हूँ, ये देख सकते हो 752 कहते हैं, ठीक है, 751, ठीक है। ये शॉप्स आप देख सकते हो, हम 50 पे आ गए, ठीक है, ये देख सकते हो। और चल रहे हैं हम शॉप नंबर 45, शॉप नंबर 12 जब तक आएगी मुझे लगता है, तब तक तो हम पता नहीं कहां तक पहुंच जाएंगे, अभी तो चल ही रहे हैं। 43 44, ये क्या है, 11 ऑटो, अच्छा ये चीज़ बहुत बढ़िया ना, हनी जी, मतलब कि इनका खुद का तैयार किया हुआ हनी होता है, ठीक है। तो ये आप शॉप्स देख रहे हैं, और कुछ शॉप्स बंद है और कुछ शॉप खुली है, और कुछ शॉप्स शायद कल खुलेगी। वैसे आज भीड़ कम है क्योंकि बारिश का मौसम है, वैसे शाम को ज़्यादा आते हैं, ओवरऑल के काम कर रहे होते हैं वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। नुक्कड़ वाली एग्जिट, मतलब कि यहाँ पर भी वहाँ पर भी गेट है, ठीक है। अभी हम जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा स्किप कर देता हूँ ना बीच में, तो फ्रेंड्स बीच में से थोड़ा स्किप कर दिया। 731 नंबर, 712 नंबर शॉप उधर आएगी, ठीक है। ये 729 नंबर, 30 नंबर होने वाली है, ये आप चेक कर सकते हो। अच्छा, ये सूट के ऊपर लगने वाले हैं, ठीक है। ये रूह अफ़ज़ा ये कुछ कुछ पीना हो तो, ठीक है, पकौड़े पकौड़े पेटीएम कर सकते हो, पकौड़े खा सकते हो, अचार लहसुन का अचार लेके जाएंगे, बहुत बढ़िया होता है लहसुन का अचार, ठीक है। और ये ब्रह्मसरोवर का ठाना है पता नहीं, शायद आई डोंट नो। तो ये आप देख सकते हो, धूप नहीं, ये तो मतलब कि जड़ी बूटियों से तेल बनाया जाता, वो है थाना आदर्श थाना, ठीक है। बाकी ये टैल छा रहा है यहाँ ब्रह्मसरोवर पे, ठीक है, दाल दूल खड़ी है, खा सकते हो। ये आप देख सकते हो शॉप नंबर 15 पे आ गए, 12 पे इस शॉप से कमेंट आया था, ये देख सकते हो शॉप नंबर, ये किसी ने वीडियो देखी हुई नहीं है फ्री टाइम की, शॉप नंबर 712 में आना, 712 में आपको क्या क्या मिलेगा ये चेक कर सकते हो। तो भाई अगर ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट देख ले, तेरा पूरा हो गया, ये 12 नंबर शॉप है, अब अंदर चलते हैं। ये 712 नंबर शॉप, यहाँ पे आपको कपड़े मिलेंगे, ये छोटे छोटे ये, ठीक है। इधर फीमेल्स के कपड़े हैं,
ठीक है, चेक कर सकते हो, टॉप टॉप है, ठीक है, उधर लहंगे चोली है, ओ तो इधर ये है, तो ये 712 नंबर शॉप है, इसी का कमेंट आया था मुझे, ठीक है। अब हम चलते हैं गेट नंबर एक पे। तो पहला कमेंट कंप्लीट, जिसने बोला था कि 712 नंबर शॉप लेना, ये थी 712 नंबर शॉप, ठीक है। यहाँ पे फीमेल्स के कपड़े मिलते हैं, और अब हम जाएंगे गेट नंबर एक पे, ठीक है, गेट नंबर एक पे जाएंगे, उसके बाद फिर आपको जो दो नंबर के मेटा वो कवर करेंगे, जैसे कि एक नंबर गेट से दो नंबर गेट पे जाना, उसके बाद जो मैं गीता जयंती बनाता हूँ वो बनाएंगे जहाँ पे हमने ख़त्म की थी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें, जाएंगे यहाँ पे कुछ सौ जुगाड़मेंट चल रहा है, तामझाम से चल रहा है, अब हम बैक जाएंगे, सारा पीछे जाएंगे, और सारा का सारा हम पीछे जाके दिखाएंगे वापस एक नंबर गेट पे, ठीक है। तो एक नंबर गेट पे जाएंगे हम, ये लग रहे हैं, और अभी मैंने चिंटू को यहाँ पे भी प्रैक्टिस कराई, मतलब कि यहाँ पे भी हमने प्रैक्टिस की है, यहाँ सोलर सिस्टम लग रहा है जिसके कारण शायद लाइट लुटे जलेगी, ठीक है। तो अब हम वापस जाएंगे, सारा वापस जाएंगे। अब घूमने का वेदर बहुत औसम है, मतलब कि धूप तो नहीं है, ठंड है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, पर चलने के कारण आपको गर्मी नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ, ये मेरे टी शर्ट पर टेक्निकल लवली मनी स्विमिंग बाय मनी लिखा हुआ है। आज मैं चप्पलों में आया हूँ, शूज़ में मैं अनकम्फर्टेबल होता हूँ, काफ़ी अनकम्फर्टेबल होता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसीना आता है, पसीने आने की कमी होती है पैरों में पानी की, हालांकि मैं पानी बहुत पीता हूँ फिर भी आता है, तो मतलब कि पानी की कमी ज़्यादा रहती है मेरे शरीर में, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ पूरा कर दूँ। तो चलो अब सीधा गेट नंबर एक से स्टार्ट करेंगे। मैंने ये वीडियो पहले ही बनाई है, ऑसम लगती है, शॉप नंबर 743 है, ठीक है। और इसमें अब अगर आप इसमें फोकस करके देख सकते हो तो देखो, मतलब कि कोशिश है कि देख सकते हो। वैसे मैंने जब वीडियो एडिटिंग की थी तो मैं वीडियो के अंदर देख रहा था, तो मुझे साफ दिख गया था इसके अंदर क्या होगा, पहले मैं देख लेता हूँ ना इसके अंदर क्या होगा। पर इसके अंदर कृष्ण भगवान, कृष्ण जी है, एक मिनट, इसके अंदर एक सेकंड, इसके अंदर भगवान कृष्ण जी है, अगर आप फोकस कर पाओगे तो आपको दिखेगा, मैं हिला रहा हूँ सॉरी, अगर आप फोकस कर पाओगे तो आपको दिखेगा कृष्ण भगवान जी है और अर्जुन जी है, कृष्ण जी रस्ता रहे हैं, अर्जुन जी बैठ के उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको फोकस करना पड़ेगा थोड़ा, और मेरा हाथ हिल रहा है क्योंकि एक हाथ में मैंने ट्राईपोड पकड़ा है और एक हाथ में फोटो पकड़ी है। तो मैंने जब वीडियो एडिटिंग की थी तो मैंने फोकस करके देखा था कि अगर कोई वीडियो जो देख रहा है वो देखना चाहता है तो दिख सकता है, बिल्कुल देख सकता है, ये आप ये चेक कर सकते हो, यहाँ कुछ लिखा है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये लो भैया, शुक्रिया आपका। तो इसमें फोकस करता हूँ मैं, क्या है इसमें मैं बताता हूँ फोकस। ओके फ्रेंड्स, इसमें भगवान गुरुड़ जी है और उन्होंने स्नेक पकड़ा हुआ है, एक हाथी है और नीचे मगरमच्छ है, और ऊपर कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी है गुरुड़ के ऊपर बैठे हुए, और उनके हाथ में एक तो शंख है, एक चक्कर है, साथ में मुरली भी है जिसको हम बंसरी कहते हैं, और आगे वाले हाथ में आई थिंक फूल है। बहुत अच्छा है अगर आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हो, मतलब कि इसमें काफ़ी कुछ बना हुआ है, तो अगर आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो शॉप नंबर ये मैंने आपको बता, अरे शॉप नंबर मैंने आपको ये बता दी थी 74, यहाँ आके जरूर देखना, मतलब कि मुझे अच्छा लगा ये, आई लाइक इट। तो चलो आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे जाएंगे, और अभी गीता जयंती लंबी हो रही है उसके लिए सॉरी, पर क्या करें, बताना पड़ेगा आपको, दिखाना पड़ेगा। शॉप 700 कितनी थी, 28 पता नहीं मैं भूल गया, हाँ 474 38, ठीक है। वो शॉप पे आप आके देखना जरूर, आपको अगर दिख जाए तो बहुत अच्छी है। चलो शॉप नंबर, वाकई वो चीज़ बहुत औसम है, आज कुछ नया था, पिछली जो गीता जयंती डे वन था उसमें जो था मैंने दिखा दिया था, और आज नया था, जो बड़ी फ़ोटो बहुत औसम है, उसमें भगवान कृष्ण जी है गरुड़ के ऊपर बैठे, वो थे ना जो सांप लेके गई थी उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और नीचे हाथी है जो कि ऊपर प्रणाम कर रहा है, आई थिंक कुछ पकड़ा रहा है पता नहीं, और नीचे मगरमच्छ ने उसका पैर खाया हुआ है, मतलब कि मुँह में डाला हुआ है, कि एक देख के जितना पीछे जाओगे वो उतनी बड़ी होती जाती है। और अभी उधर जा रहे हैं, कुछ तो करना है आपको, बोर थोड़ी करना है, तो हम चल रहे हैं, और आप गीता जयंती देख रहे हो, बस इंजॉय है। अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना और एंड तक देखना, आपको पूरा मेला दिखा देंगे इसी फ़ोन में, टेंशन ना लो। फ्रेंड्स हम कुछ, हाँ अगर आप इस साइड आओगे ना तो आपको ये गिफ्ट पॉट सारे इसी साइड मिलेंगे। शॉप नंबर कौन सी है, इनके सामने 780 पड़ती है, और मैं साइड भी बता दूंगा कौन सी साइड में हम गए थे, जो पहला कमेंट था 712 वो कौन सी साइड में था, वो सारा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, बेफिक्र रहो।
अभी हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं और वीडियो लंबी हो जाती है गीता जयंती की, क्या करें, गीता जयंती ब्रह्मसौर बहुत बड़ा है, ये इंटरनेशनल गीता जयंती कवर करने में तो 1 घंटा 40 मिनट 32 मिनट तो कवर ही रहते हैं ना। ये शूट देखो, मतलब कि अगर हम ऐसे चल रहे हैं ना तो अभी मेरे अंधेरा आएगा, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में जो सब्जेक्ट है मैं हूँ और मेरे बैकग्राउंड में रोशनी आ रही है, तो इसलिए अगर मैं ऐसे चलूँ तो रोशनी आएगी, रोशनी, अरे ये पिलर आ गया, ये देखो अब रोशनी है, ठीक है, फ़र्क तो पड़ा ना, मानो या ना मानो फ़र्क पड़ा है पीछे, बाकी वेदर देखो पीछे ऑसम वेदर है पीछे, ये वाला वेदर है ना ऑसम, जैसे वो पहले टाइम पे होता था, लड़ाई होने वाली है, बदल गरजने हैं और बिजली बिजली छड़क रही है वो सारा। हम गेट नंबर 1 के पास पहुँचने वाले हैं, ये देखो ये पास में ही है गेट नंबर 1, तो हम गेट नंबर 1 पर पहुँच जाएंगे, तो बस उसके बाद हमें गेट मैसेज दूसरा कवर कर देना है। बाकी आपकी कौन सी शॉप है अगर है तो अगर आप वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो उसी पे शूट कर देंगे। बाकी अगर गाने आ गए तो बंद कर दूँगा, तो चलो गेट नंबर 1 पे चलते हैं। इधर खाने पीने का सारा सिस्टम है, ठीक है, अगर आप यहाँ से कूपन, यहाँ पर कूपन मिलते हैं, कूपन लेके आप यहाँ पर कूपन मिलेंगे जो भी आप लेना चाहोगे, और उसके बाद आप इसको खा सकते हो, खाओ इन्जॉय करो घूमो फिरो खाओ, पर मिलेगा सारा कुछ ऐसे जैसे पाव भाजी हो गया, ये आप चेक कर सकते हो, ये मिलेगा मोमोज चाउमीन बर्गर वो ए टू जेड आपको मिलेगा यहाँ पे। दिखा दूँ थोड़ा सा, ठीक है, मुंह में पानी आ जाए, मेरा कसूर मत निकाला, कमेंट करके बता देना। मंचूरियन, ये मंचूरियन तैयार हो रहा है, ठीक है, ये पकौड़े न्यूडल, ठीक है, और गोलगप्पे, ठीक है, और ये जलेबी अमरती इसको कहते हैं, ठीक है, जलेबी बन रही है बड़ी बड़ी, जो पकौड़े, ठीक है, पापड़ी सोन पापड़ी, ठीक है, और नहीं 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 भाई मैं बाद में खाऊंगा, पावा कचौरी, पावा कचौरी, ठीक है, ये हलवा है, ठीक है, कईयों को पसंद होता है हलवा, ठीक है, और इधर क्या क्या बन रहा है, जलेबी बन रही है, टिक्कियाँ बन रही हैं, ठीक है, उसके बाद इडली नहीं डोसा पता नहीं क्या कहते हैं इसको, भूल गया मैं नाम भूल गया, अरे 3 एडेट में यही तो लेके आती है वो। तो यहाँ पे आपको कूपन मिलेंगे, और कूपन दिखाना भैया, ये बल्कि 50 रुपये का क्या, तो ये यहाँ पे आप कूपन ले लेना 60 रुपये का पाव भाजी, ऐसे ऐसे अलग अलग कूपन है, जो भी आपने लेना है आप ले सकते हो, ठीक है, कूपन 100 रुपये के, 60 रुपये के, 80 रुपये के ऐसे रहते हैं, ठीक है, शुक्रिया। तो अब हम जाएंगे बाहर, हम गेट नंबर 1 पे पहुँचने वाले थे, मैंने सोचा कि ये चीज़ भी आपको हम दिखाई दें, तो ये चीज़ कवर करनी जरूरी है, कहीं को नहीं पता कि खाना है तो कहाँ जाए, क्या खाने को यहाँ कुछ है, तो शॉप नंबर ये आ जाती है 8023, मतलब कि 823 से है ये, ठीक है, इसमें आपको खाने का सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, एक जगह बैठ के ऐसा तसल्ली से खा सकते हो, अदरवाइज़ आप चलते चलते खाना है तो आपको सॉफ्टी मिल जाएगी, ठीक है, और ये चीज़ें मिल जाएगी। एक नंबर गेट है जहाँ पे हम जा रहे हैं, तो 1 नंबर गेट से लेके मैंने 2 नंबर गेट तक कवर करना है, तो ये 1 नंबर गेट है, ठीक है, इसको सीधा आ जाओगे 2 नंबर गेट, और बीच में रथ भी आता है, मैं दिखाऊंगा, सफ़र इतना बोर नहीं होगा, टेंशन ना लो, बेफिक्र हो, ठीक है, चाय पीने वाले चाय भी पी सकते हो, कॉफ़ी भी पी सकते हो, चाय का जग देख लो, चाय कहाँ मिलेगी, हाँ ये डाटरनी जी को बहुत चाय पसंद है, तो 832 नंबर पे चाय मिलेगी, अब यहाँ आके पी सकते हो, ठीक है, चाय बेफिक्र रहो। और अब हम 1 नंबर गेट बाहर से शूट करेंगे, फिर आपको अंदर दिखाएंगे कि क्या है, इधर चल रहे हैं शायद, ये टिकटॉक बना रहे हैं या फिर ये वैसे फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, बाकी वो भाई भी कुछ कर रहा है कुछ शायद, उसका भी यूट्यूब चैनल है, थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, ये प्रैंक बना रहे या कोई चैनल जाके पूछ के आते हैं, हम ऐसे डायरेक्ट चलते हैं, पूछते हैं क्या है भाई का, क्या है भाई ये वीडियो शूट क्यों कर रहे हैं आप, चैनल है भाई, चैनल का नाम बताना, जैन भावना टीवी, ठीक है, अभी आप क्या शूट करने वाले हो, अभी हम बातचीत करेंगे, अच्छा, तो फ्रेंड्स ये इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं कि सारा कुछ, वैसे जबरदस्त लग रहा ना, ये बजाने वाले और ये अपनी प्रदर्शनी दिखाएंगे, ये सारे ये चेक कर सकते हो, ये भाई मेरा भी चैनल है स्विमिंग बाय मनी, देखा यार स्विमिंग बाय मनी, ओके देखा होगा यार, अगर ब्रह्मसौर पे गीता जयंती का मेला पाओगे सबसे पहले नंबर पे मेरी वीडियो आएगी। तो फ्रेंड्स अपना चैनल इतना बड़ा तो नहीं हैगा, पर छोटा है, जानते हैं 1-2 जना तो जानते हैं कि हाँ अभी आपका चैनल है, हम आपको जानते हैं, तो है इतना नहीं है, चल रहा है, तो कई ये जब एंट्री करोगे ना गेट नंबर 1 पे, जो लेफ्ट राइट दोनों साइड लिखा हुआ, ठीक है, तो चलो अब एंट्री करते हैं, अब हम गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे, और गेट नंबर 1 ये है, पहले बाहर जाएंगे फिर हम एंट्री करेंगे, ठीक है, ये गेट नंबर 1 है, तो उधर गाने चल रहे हैं, ये गेट नंबर गीता जयंती का
फर्स्ट अब्राहम सरोवर का मेन गेट है ये, गेट नंबर एक है। तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे और एकदम गेट नंबर सामने इसके दो नंबर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई गाड़ी गुड़ी नहीं लेके जा सकते और पैदल आपको इधर से आना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कुछ लेके तो नहीं आ रहे। हम जाएंगे अंदर, तो ये गेट नंबर एक है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि हमारे पास तू बोला वो। तो फ्रेंड्स अगर आप एंट्री करोगे तो इधर भी लिखा होगा, इधर शॉप नंबर एक से स्टार्ट होती है, ये 0011 देख सकते हो, ये शॉप नंबर एक है। ऐसे ही 1, 2, 3, 4 वो सारी शॉप नंबर, ये शॉप नंबर आएगी आपकी, ये आप चेक कर सकते हो। उधर एक नंबर शॉप है ये 847 है, ठीक है, 847, ठीक है। एक नंबर शॉप यहाँ से स्टार्ट है, तो हिसाब लगा लो कि अगर कोई 800 सीरीज़ बोल रहा है तो वो यहाँ होगा, अगर वो एक नंबर से कम बता रहा है वो इधर सीधा जाओगे तो एक नंबर है। तो अब हम जा रहे हैं गेट नंबर सीधा एक के पास, नहीं दो के पास, ठीक है। तो इधर इंटरव्यू चल रहा है, इधर इंटरव्यू चल रहा है। हमने इंटरव्यू नहीं लेना, हमने गीता जयंती दिखानी है, तो ये इंटरव्यू चल रहा है इधर। तो हमने इसको ऐसे ही कवर कर लिया और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये पुल है ना, ये पुल है, ये मतलब कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपको मंदिर मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट शिवलिंग जो स्थापित हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, ठीक है। ये शाम को यहाँ पे मतलब कि काफ़ी मज़ा आता है, वहाँ पे आरती होती है, ठीक है, वहाँ आरती होती है, वैसे महान आरती वहाँ होती है। वैसे शाम को आके जो क्या कहते हैं, शाम को वहाँ पे भी आरती होती है, जो कि गुरुकुल वाले बच्चे हैं वो यहाँ के आरती करते हैं, ठीक है। यहाँ बाकी एकदम मज़ेदार है, नज़ारेदार है, इधर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। उधर इंटरव्यू चल रहा है, ये गेट नंबर एक है। तो मुझे कमेंट आया था कि गेट नंबर एक से गेट नंबर दो तक आप वीडियो बनाओ, तो आज वही कवर करनी है हमने, दो कमेंट है दोनों कवर करने। बाकी अगर आपका कोई कमेंट आया तो यहाँ डक्स है, डक पे फोकस किया जाए कैमरामैन, ये चक्को कितनी प्यारी लग रही है, एक फ़ोटो खींची जाए, आ चक्को मतलब कि क्या कमाल ही है ना, जहर मैं बहुत जहर करता हूँ मतलब की वीडियो। उधर प्रदर्शनियाँ शुरू हो गई हैं, प्रदर्शनी आपको यहीं खड़े होकर हम दिखा सकते हैं, इतना टैलेंट है हमारे में। ये प्रदर्शनी चेक कर सकते हो, ये प्रदर्शनी है। तो यहाँ ओवरऑल बहुत मतलब कि यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, मतलब कि हमारा छोटा सा गरीब का चैनल भी है। एम्बुलेंस किसी को एमरजेंसी पड़ जाती है, ठीक है, कोई बेहोश हो जाता है यहाँ चल के, तो ये आप चेक कर सकते हो। हम जा रहे हैं गेट नंबर दो पे, गेट नंबर दो पे ही हमने ख़त्म की थी गीता जयंती, जो कि कल की थी पार्ट 3, ठीक है। अभी ये भाई कर रहा है टिकटॉक का शूट, आई थिंक नहीं ये, या फिर बैठे वैसे फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, तो बढ़िया है, सारे आनंद उठाओ। हम कर रहे हैं कवर जो हमने हमें कमेंट आया था, हम उस कमेंट को कवर कर रहे हैं। तो कैमरा नॉर्मल कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये नॉर्मल कैमरा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा जूम है, तो हम नॉर्मल कैमरा रखेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल कैमरा चल रहा है और अब इसमें गाना गुना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हम चल रहे हैं और वो भाग रहे हैं, ठीक है। मैं अब अपना कैमरा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस साइड रथ है, इस साइड जहाँ द्रौपदी जी स्नान करती थी वहाँ पे वो कुआ है, ठीक है, वो भी दिखाऊँ। तो अभी मैं आपको जो गेट नंबर F1 से एंट्री करके सीधा आपको क्या क्या देखने को मिलेगा इस पुल पे जो सीधा आता है, गेट नंबर एक से गेट नंबर दो सीधा आपको गेट नंबर दो मिलेगा। तो अभी मैं आपको द्रौपदी जी सारा कुछ दिखाऊँगा, मैं आपको ये जो दिखाऊँगा वो सारा कुछ दिखाऊँगा। स्वाय पापड़ के हम पापड़ कवर करेंगे, पापड़ ये क्या गिरा काला काला, ओ पापड़ दस के दो। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा कि पापड़ खाऊंगा तो क्लच क्लच की बात आएगी। पापड़ वीडियो ख़त्म होने के बाद पहले काम फिर आराम। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, अगर आप वहाँ से गेट नंबर एक से एंट्री करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में जो आएगा, लेफ्ट साइड अगर जाते हो तो यहाँ पे आरती होती है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, पहले सबसे पहले वो दिखाऊंगा। अगर मैंने ये चीज़ कवर नहीं की तो कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है और ये मंदिर है, अब ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छी और औसम हवा आ रही है, ठीक है। ये भी मंदिर है, वहाँ यहाँ छोटे छोटे मंदिर है और सबकी यहाँ अपनी अपनी क्या कहते हैं, कोई कहानी है, कहानी कह लो, स्टोरी कह लो, कुछ कह लो, ठीक है। तो ये ब्रह्म सरोवर जो खंभे सारी जगह कुरुक्षेत्र में आपको यही खंभे मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं फोकस कर देता हूँ, ये सारी आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो और ये लो शुरू से लेके एंड तक, ओके अब वीडियो रोक के पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ ये बारकोड स्कैन दिखा देता हूँ, आप स्कैन कोड मेरी वीडियो रोक के अपने दूसरे फ़ोन से स्कैन कोड मार लेना तो शायद आपको और अच्छी डिटेल मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे महान आरती होती है, ठीक है, ये देख सकते हो, यहाँ योगी आदित्य जी भी आरती करके गए हैं और ये देख सकते हो यहाँ पे होती है शाम को आरती, बहुत तगड़ी आरती होती है। कवर करके दिखाऊंगा किसी दिन, मतलब कि अभी 10 दिन है तो मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। तो ये है वो रथ, ये वो रथ है जहाँ पे गुरु नहीं गुरु बोल रहा हूँ सॉरी कृष्ण जी ने अर्जुन जी को
उपदेश दिया था कि तू क्या लेके आया, क्या पाएगा, क्या खोएगा, ऐसा कुछ दिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे मेरे दोस्त ने पढ़ के बताया था, वो बहुत अच्छा उपदेश है। ठीक है, मेरी स्टडी कुछ ऐसी है तो मुझे इतना होता नहीं है, ओसम लग रहा है पर अच्छे से क्लीन नहीं दिखेगा, पर मैं इसके ऊपर स्पेशल भी वीडियो बनाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी जो कृष्ण जी अर्जुन जी को जो उपदेश दे रहे हैं वो ये लिखा है। ठीक है, हिंदी अपनी इतनी खास है नहीं, पंजाबी थोड़ी बहुत टूटी फूटी पढ़ लेते हैं, पर उपदेश ये दिया था कि तू क्या लेके आएगा, क्या पाया है, क्या खोएगा वगैरह वगैरह कुछ ऐसा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने फोकस कर दिया, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सही फोकस किया, इतना माड़ा भी नहीं किया, तो कैमरे में आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, ये अब आप देख रहे हो रथ, तो अगर आप यहाँ घूमने आते हो बाई चांस, आपने फोटो खींचनी, आपके पास कैमरा घूमरा नहीं है, तो यहाँ फोटो वाली ये शॉप है, ये 50 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये फोटो के साइज के हिसाब से पेमेंट लेते हैं। ठीक है, और ये खींच देते हैं। यहाँ पे मेरा दोस्त लवली भी आया था, लवली को मैं बुला रहा हूँ। ये देखो कुछ फोटो सेशन, उनकी एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं। ठीक है, ये फोटो पड़ी हुई है, ये चेक कर सकते हो, ये फोटो इन्होंने खींची हुई है, ये कैमरामैन बैठे हुए हैं और ये लगा हुआ है, ये अभी सेटअप तैयार हो रहा है, ये यहाँ पे सारा सेटअप तैयार हो रहा है जो हरियाणा कल्चर दिखाएगा, बहुत अभी टाइम लगेगा। ठीक है, और ये आप रथ देख सकते हो, इसके ऊपर 2-2.5 करोड़ रुपये लगा है बनाने पर, सिर्फ रथ पे। तो ये रथ कोपर का पता नहीं किस चीज़ का बना है, ये बहुत औसम है। ठीक है, औसम बहुत। ठीक है, ये सारा सेटअप तैयार हो रहा है। ठीक है, यहाँ हवेली वाला सारा सिस्टम तैयार होगा, पुराना कल्चर यहाँ पूरा पड़ा होगा। ठीक है, इन्होंने नक्शा सारा खोद रखा है। ठीक है, ये सारा कवर होगा, और जैसे ये बन जाएगा, 15 दिन की गीता जयंती है, आप टेंशन ना लो, आपको सारा कवर करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अब सामने एकदम सामने ना द्रौपदी जी का कुआं है, जहाँ पे वो स्नान कर, उनका मतलब कि रजिस्टर्ड कुआं है कि वो वहीं पे स्नान करते थे, और मैं वो कुआं भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, बाकी ये मंदिर भी है, बाकी सारी स्टेटस लिखा हुआ है। ये गेट नंबर 1 से आप सीधा एंट्री करोगे, वो सामने गेट नंबर 2 है, एक्स्ट्रा जूम करके दिखा देता हूँ, ये गेट नंबर 2 है। ठीक है, अभी जो हमने एंट्री की है वो गेट नंबर 1 है, ये वाला देख सकते हो, हमने इधर से एंट्री की थी, और जहाँ से ये जा रहे हैं मैं वहाँ से एंट्री करके अब यहाँ से निकला हूँ। ठीक है, यहाँ पे रथ है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पे द्रौपदी जी यहाँ स्नान करते हैं, वहाँ कुआ है। ठीक है, ये पेड़ है, अगर आप शाम को इसके पास से गुजरते हो तो जहाँ चिड़ियाँ वो ची 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 करती है, बहुत अच्छा लगता है, और हो सका है, वैसे तो मुझे शाम पड़ी जाती है, तो मैं आपको यहाँ की आवाज़ ज़रूर सुनाऊँगा, मतलब कि जो आवाज़ आती है ना वो जेन्युइन आती है, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून सा मिलता है ना, जहर वाला सुकून मिलता है, नॉर्मल नहीं, जहर वाला। जे पेड़ के पास चिड़ियाँ चू चू कर रही हैं, ओए हो कुत्ता जहर, चाँ 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 चाँ, मज़ा आता है। ठीक है, अब कुआं देखने के लिए तैयार, इसके अंदर भी जाया जाता है, मैं मंदिर दिखाता हूँ आप धीरे, अभी इसके ऊपर पेंट हो रहा है, वैसे आप इसके यहाँ से नीचे जा सकते हो, सीढ़ियाँ कहाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसके अंदर जाओगे। ठीक है, ये लेफ्ट साइड सीढ़ियाँ हैं, ये इस साइड सीढ़ियाँ हैं, और इस साइड सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, और कुआं मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा, ये पुरानी ईंटें लगी हुई हैं। ठीक है, ये वो कुआं है, यहाँ पे वो स्नान करते थे द्रौपदी जी। ठीक है, बल्कि इतना नीम आप देख लो कितना ऊंचा हो गया, ये देख सकते हो, ये सारी ईंटें पुरानी हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी ईंटें हैं। ठीक है, तो ये वो कुआं है। ठीक है, यहाँ पे ये तिरंगा लगा हुआ है, अभी आज लगाया नहीं हुआ इन्होंने, वैसे तिरंगा यहाँ पे होता है। ठीक है, अभी इन्होंने चढ़ाना है, अभी ऊपर चढ़ाएंगे, कल चढ़ाएंगे शायद, उसको साफ़ कर रहे होंगे। ये सेटअप लग रहा है, इसके यहाँ लगेगा कोई साइंस से रिलेटिव या कुछ लगेगा, तो वहाँ पे भी मंदिर है। ठीक है, तो अब मैं फ्रंट कैमरा कर लिया है, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा जहर वाला। ठीक है, वैसे मैंने कुरुक्षेत्र में कौन कौन सी जगह घूमने वाली है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि भद्रकाली माता का मंदिर है उनके ऊपर वीडियो बनाई है, शेख चिल्ली का मकबरा है उसके ऊपर वीडियो बनाई है, ब्रह्मसोवर पे वीडियो बनाई हुई है, गीता जयंती पे ब्रह्मसोवर पे बहुत बढ़िया है, पर मैंने फिर भी ब्रह्मसोवर पे बनाई हुई है, और बाणगंगा पे वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे कृष्ण जी ने बाण चलाया, अर्जुन ने चलाया था जी, मेरी थोड़ी ऐसे ही है ना गीता, इतनी सॉलिड नहीं है तो आप समझ लेना, तो वहाँ पे बाण चलाया था जब उनको पानी चाहिए था। ठीक है, तो वो सारी स्ट्रीट मैंने पूरी दिखाई हुई है, आप देख सकते हो जोन जोन सी जगह घूमने वाली है, इसी चैनल पे, इस चैनल पे पता नहीं दूसरे चैनल पे, तो देख लेना, दोनों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके लास्ट में देख लेना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये मजाक उड़ा रहा है मेरा, कोई चक्कर नहीं, पर क्या होता है कि ऐसा होता है, मतलब कि फेस करना पड़ता है सबको, इग्नोर। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो मैंने गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 के पास पहुँचने वाला हूँ। ठीक है, अभी जो पहले क्या होता था मैं दिखा देता हूँ, पहले जो स्टेज लगती थी वो यहाँ लगती थी, इस बार शायद यहाँ लगेगी या नहीं लगेगी ये पता नहीं है। ठीक है, और इस बार स्टेज शायद वो बाहर लगेगी, वो ये आप वाइट वाइट पर्दा देख रहे हो, ये शायद यहाँ पे लगेगी। ठीक है, ब्रह्मसरोवर के बाहर भी काफ़ी मेला लगा होता है। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, गेट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, जो हम गेट नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है,
ये दो शख्स देख रहे हो आगे जा रहे हैं, यही मजाक उड़ा रहे थे, कोई चक्कर नहीं है, पर रहता है इतनी हंसी आई जाती है क्योंकि मेरी कमेंट्री थोड़ी ऐसी रहती है कि हम मतलब कि नॉर्मली जैसे फ्रैंक से रहते हैं ना, मतलब कि आपको पता है फॉर्मेलिटियाँ अपने से होती नहीं है, जैसे कि सही सारे शब्द सही बोल रहे, कोई ज़रूरी नहीं है सारे शब्द सही बोल रहे, समझ आना चाहिए यही काफ़ी है ना, सही है ना। तो बस गेट नंबर दो पे पहुंचने वाले हैं, हमारा दूसरे मैसेज का भी रिप्लाई हो जाएगा, आई होप कि जिन्होंने मैसेज किया उनको अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छा लगे तो बढ़िया है। तो हम गेट नंबर दो पे हम जाते हैं, दो पे जा रहे हैं, पीछे से ई रिक्शा आ रहा है, ये ई रिक्शा उनके लिए है जो बुजुर्ग है जो नहीं ज़्यादा चल सकते, बल्कि ज़्यादा इतनी दूर कहाँ से चलेंगे, तो वो स्टार्टिंग गेट नंबर एक से ही ई रिक्शा मिल जाते हैं, तो वहाँ पे वो पूरा ब्रह्मसपुर आपको उनको देखने को मिल जाता है ई रिक्शा में, ठीक है। तो ई रिक्शा पे एक नंबर गेट मिल जाता है, सारे ए टू जेड मिल जाते हैं, ठीक है ना, बाकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गेट नंबर दो पे आ गया, उसके बाद जहाँ से हमने वीडियो छोड़ी थी वहाँ पे हम क्या कहते हैं, वहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करेंगे कल के उमल की गीता जयंती, और जाएंगे कहाँ तक ये देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी गेट नंबर दो, इसके मेन बड़े जो मेन गेट है ना, मेन गेट वो दो ही है, ठीक है, गेट नंबर एक और गेट नंबर दो। आप कहाँ से एंट्री कर रहे हो, गाने चल रहे हैं, बीच में थोड़ा सा एक गाना लगा था, अगर उन्होंने गाने चला दिए तो दिक्कत हो जाएगी मेरी वीडियो को, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कोशिश है कि आपको एक से दो नंबर गेट पूरा कवर कर दूँ, अच्छे से दिखा दूँ और आपको काफ़ी बढ़िया रहे, ठीक है। तो पीछे फोटो सेशन चल रहा है, गाने चल रहे हैं, ये गाने चला दिए इन्होंने, गेट नंबर दो पे पहुंचने वाले हैं, और उस वहाँ पे गाने चल पड़े थे, मैंने इसलिए बंद कर दिया था, अब मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक करूँगा क्योंकि गाना फिर से चल पड़ा है। फिलहाल दो मिनट के लिए सॉन्ग बंद हुए, हम गेट नंबर दो पे का बस पहुँच गए हैं। मैं कंसेप्ट भूल जाता हूँ जब, जैसे बीच में सॉन्ग आने लग जाते हैं तो मुझे दिक्कत हो जाती है, गाना फिर से चल पड़ा है, पर मैं अभी आधा सेकंड होएगा तो मैं तुरंत बंद कर दूंगा। तो हम गेट नंबर दो पे पहुंच चुके हैं, नंबर दो है, एक नंबर गेट एकदम सामने है इसके, सीधा हो गए, जो बीच में आता है मैंने वो चीज़ दिखा दी आपको, दोनों मेन मेन चीज़ें दिखा दी हैं। तो गेट नंबर हम दो के पास पहुंच चुके हैं जी, हम जल्दी जल्दी चले जाते हैं, फिर गाने की आवाज़ आएगी। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ म्यूज़िक चल रहा है तो हम चल रहे हैं, ठीक है ना। बाकी अभी तो ये शायद इतना साउंड नॉइस कैंसिलिंग भी इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी नॉइस कैंसिलिंग है मेरे सेट की। तो अभी तो ये आप क्या कर सकते हो, गेट नंबर दो, तो अब एक कमेंट भी खत्म हो गया, बल्कि कमेंट के जो दूसरा रास्ता है एक नंबर गेट से दो नंबर गेट तक आप वीडियो बना वो बन चुकी है। गेट नंबर दो कंप्लीट, अब हम जाएंगे यहाँ से, जो मैंने ख़त्म की थी वो हम जाएंगे अब इधर इस साइड, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि अगर देखा जाए तो वहाँ से जब गेट नंबर एक से स्टार्ट करते हो, एक नंबर शॉप है, ठीक है, यहाँ तक ये 452 है, तो 451 उधर होएगी। तो अभी हम इधर से आगे जा रहे हैं, तो अब इधर क्या क्या है वो आपको दिखा दूंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, ठीक ठीक ही रखेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे हरियाणा रिसोन, तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये आपको बैठने के लिए मिलेंगे, बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी अभी जो इधर जी भैया बोल रहे हैं बहुत अच्छा, ओ कैसा है भाई। तो अभी ये भैया जानते थे तो ये कह रहे थे बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, तो एप्रिशिएट काफ़ी जने जाने लगे, अब थोड़ा बहुत बाइक का थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चैनल है कि आपकी कृपा सपोर्ट है पूरी पूरी। और इधर ये शॉप नंबर 464 में ये कपड़े मिलेंगे बॉयज़ के, ठीक है, अपर हुडिंग सारी, ठीक है। तो बाकी इधर शॉप सब इक्की चल रही हैं, कहीं पे काम हो रहा है कहीं पे नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो प्रिंटिंग हो रही है साथ के साथ, अगर आपने टी शर्ट पे प्रिंट कराना है तो यहाँ पे शॉप नंबर 466 पे है, 466 पे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलते हैं, आगे कुछ गाने बंद है, अभी कुछ चल रही हैं, अभी कुछ पे काम चल रहा है, कहीं उनको टेंडर मिला होगा लेट, तो यहाँ सॉफ्टी ज़्यादा मिल जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत, ठीक है। ओवरऑल हमने यहाँ तक कल वीडियो बनाई थी, अब यहीं से हमने आगे स्टार्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी झंडा चढ़ा होता है अभी, हैंडी बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है, एकदम टाउन से ऊपर देखो कितना ऑसम आ रहा है, कोई भी कैंसलिंग नहीं आ रहे, ठीक है। महात्मा बुद्ध जी की यहाँ पे आपको फोटो में मिल जाएगी शॉप नंबर 473 में, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया चल रहा है, स्विमिंग बाय मनी भाई, ठीक है, ये चेक कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल ये काफ़ी बढ़िया है, और आगे जैसे आप हाफ क्रॉस कर जाते हो इस साइड में आपको भीड़ कम मिलती है, क्या होता है कि ये ज़्यादा दूर हो जाता है, कई हाफ में से कट लेते हैं कि हाँ हमें इतनी दूर नहीं जाना, बाकी इधर पुलिस का गेड़ा लग रहा है या फिर ये ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो ये किसी ने सोने की बैंगल्स वूंगल लेनी है वो भी ले सकते हैं, ठीक है, ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, और हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, तो ओ भाई करने लगे हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब, चेक कर लो। तो फ्रेंड्स अब हम आगे जाएंगे, अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ ये हम वहाँ से वो गेट नंबर एक वो परली साइड पीछे है
तो वहाँ से लेके हम यहाँ तक आ चुके हैं और अभी हम वो नुक्कर तक शूट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो नहीं वहाँ तक शूट करेंगे, वो ये देख सकते हो वहाँ तक शूट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे नेक्स्ट डे, मतलब कि ये फोर्थ डे है ब्रह्म स्वरूप का गीता जयंती का, ठीक है। थर्ड डे मैं आपको आई थिंक फोर्थ दिखाया अपने, थर्ड आज कितनी तरीका है, 27 तरीका है, 26 तरीका है, तो टेंशन ना लो, जहाँ तक है मैं आपको 10 से 10 दिन दिखाने हैं। मुझे अभी अभी ना एक मेरे व्यूज़र मिला जिसने बताया कि मैं बाहर से हूँ, मुझे पता नहीं था कि क्या क्या देखने वाला है, तो उसने मेरी वीडियो देखी गीता जयंती की, तो वो आज गीता जयंती देख लिया, कितनी खुशी होती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी आपको। ये मैं क्लोज क्यों कर रहा हूँ, बंद क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ डीजे लग गया, वहाँ गाने चल रहे हैं जिसके कारण कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, तो मैंने वहाँ से यहाँ तक शूट किया कवर आज, इससे आगे हम कल करेंगे वहाँ तक, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच वीडियो, और हाँ आपको मेरी वीडियोज़ क्या बेनिफिट मिला मुझे जरूर बताना, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये चैनल है मेरा स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं मोबाइल अनबॉक्सिंग करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, टेक न्यूज़ देता हूँ, थैंक यू वॉच द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें।